अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, आई एम आफताब आलम जिक्रिया मुकादम फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज हम कन्वोल्यूशन थ्योरम पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। थ्योरम लैपलास इनवर्स का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम कन्वोल्यूशन थ्योरम है। इसके अंदर हम दो लैपलास इनवर्स फंक्शन का एक कंबाइंड लैपलास इनवर्स निकालने वाले हैं। सो उसके लिए रिलेशन हमारे पास है लैपलास इनवर्स ऑफ फंक्शन वन एंड फंक्शन टू, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू टी एफ वन यू इन टू एफ टू टी माइनस यू डी। तो इसमें हमारे पास दो फंक्शन है, फाइव वन एस और फाइव टू एस, जिसका एक कंबाइन हम लोग इंटीग्रेशन से टोटल सम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास है, फाइंड लैपलास इनवर्स फॉर एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर एस स्क्वायर प्लस नाइन यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन फंक्शन में लिखूंगा, मुझे टोटल फंक्शन फाइ एस दिया हुआ है जो कि है एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर इंटू एस स्क्वायर प्लस नाइन, ये दो ब्रैकेट्स है। अब मैं फाइव वन एस और फाइव टू एस में इस फंक्शन को स्प्लिट कर रहा हूं। तो एस स्क्वायर इज एस इंटू एस, डिनोमिनेटर इज एस स्क्वायर प्लस फोर, फोर इज दी टू स्क्वायर एंड नाइन कैन बी अगेन रिटर्न एज थ्री स्क्वायर। तो यहां पर पहला मेरे पास फंक्शन हो गया फाइव वन एस और दूसरा फंक्शन हो गया है फाइव टू एस। तो स्टेप नंबर वन में मैं सबसे पहले इन दो फंक्शंस का इनवर्स लैपलास निकालता हूं। तो एल इनवर्स ऑफ फाइव वन एस यानी एल इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, हमें पता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, ये लैपलास ट्रांसफॉर्म किसका है, कॉस एटी का, यानी हमारे पास ए कितना है टू, तो कॉस टू टी। तो ये पहला फंक्शन मेरा टी फंक्शन बन गया एफ वन टी। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में फर्स्ट फंक्शन हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ यू, तो मैं क्या करता हूं पुट टी इज इक्वल टू यू। तो एफ वन टी था पहले, अब वो एफ वन यू होगा अगर मैं टी से रिप्लेस करता हूं, तो कॉस टू टी मेरा बन जाएगा कॉस टू यू, ये हो गया पहला फंक्शन। दूसरे फंक्शन का एल इनवर्स में निकालता हूं, एल इनवर्स फाइव टू एस इज इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, अगेन एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस ए टी यानी कॉस थ्री टी। तो ये फंक्शन हमारे पास हो गया है एफ टू टी, बट हमें चाहिए एफ टू टी माइनस यू। तो मैं क्या करूंगा पुट टी इज इक्वल टू टी माइनस यू, देयरफॉर एफ टू टी माइनस यू फंक्शन मेरे पास हो गया है कॉस थ्री, और जहां पर टी है वहां पर मैं रिप्लेस करूंगा टी माइनस यू। तो इस तरह ये दो फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म इनवर्स में आ चुका है। अब मैं स्टेप नंबर टू में जाऊंगा और बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लिखूंगा, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम हमारे पास है एल इनवर्स ऑफ फाइव वन एस फाइव टू एस विच इज इंटीग्रल जीरो टू टी एफ वन यू इंटू एफ टू टी माइनस यू इंटू टी। तो यहां पर मैं वैल्यूज रखूंगा एफ वन यू कॉस टू यू इंटू एफ टू टी माइनस यू का फंक्शन मेरे पास है वो है कॉस थ्री टाइम्स टी माइनस यू इंटू डी। तो यहां पर मैं पहले फंक्शंस को अरेंज कर देता हूं कॉस टू यू इंटू कॉस
3t-3u इंटू टी। अब मेरे पास L इनवर्स ऑफ फाइव एस में जो फंक्शन था वो इस तरह था, एफ कॉस 2u इंटू कॉस 3t-3u टी। तो यहां पर कॉस ए कॉस बी का फंक्शन मुझे नजर आ रहा है, वी हैव कॉस ए इंटू कॉस बी विच इज हाफ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ए हमारे पास है 2u और बी हमारे पास है 3t-3u। सो देयरफॉर कॉस 2u इंटू कॉस 3t-3u तो हम इस तरह लिखेंगे हाफ ऑफ कॉस ए प्लस बी, सो 2u प्लस 3t-3u प्लस कॉस ए माइनस बी 2u-3t-3u। तो अब इसको थोड़ा मैं और सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ कॉस 2u-3u क्या हो जाएगा माइनस यू प्लस 3t प्लस कॉस 2u माइनस ऑफ माइनस 3u तो 2u प्लस 3u 5u माइनस 3t। ये इस तरह मेरे पास फंक्शन का जो सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफाइड वैल्यूज है वो आ गया है। सो देयरफॉर एल इनवर्स ऑफ फाइ एस इज इक्वल टू 0 to t इंटीग्रल में इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा 1/2 cos माइनस यू प्लस 3t प्लस cos 5u-3 इंटू ऑपरेटर एल इनवर्स ऑफ फाइ ऑफ एस इज इक्वल टू 0 to t 1/2 cos माइनस यू प्लस 3t इंटू टी यू प्लस 0 to t cos मेरे पास था यहां पे 5u-3t टी। तो यहां पे एक एक टर्म को मैं इंटीग्रेट करके उसके लिमिट्स रखूंगा, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos माइनस यू प्लस 3t sin माइनस यू प्लस 3t अपॉन n के बाजू में जो टर्म है वो है -1/2 प्लस कॉस 5 साइन 5u-3t अपॉन 5 जिसके लिमिट्स है 0 to t। तो यहां पर मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट करता हूं 1/-1 बस माइनस साइन रहेगा, ब्रैकेट में पहला टर्म लिखूंगा जिसके लिमिट्स है -t प्लस 3t माइनस साइन माइनस बी की जगह आ जाएगा 0 प्लस 3t ये हो गए इसके अपर और लोअर लिमिट प्लस यहाँ पे 1/5 यहाँ पे जाएंगे साइन के अपर और लोअर लिमिट 5t-3t माइनस लोअर लिमिट जाएगा 5 into 0-3t। तो फाइनली मेरे पास ये कुछ सिंप्लीफिकेशन इस तरह आ रहा है, हाफ माइनस साइन माइनस टी प्लस 3t साइन 2t माइनस साइन दट इज 3t प्लस 1/5 यहां पे मेरे पास है साइन 2t माइनस साइन माइनस 3t। तो हमें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आने वाला है, सो हाफ माइनस साइन 2t प्लस माइनस साइन 3t प्लस 1/5 साइन 2t ये दोनों ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाइड है तो इस तरह आ जाएगा ये माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा 1/5 साइन 3t और ये फंक्शन हमारा टोटल एफ ऑफ टी है, इसमें 1/2 सबके लिए कॉमन है। तो इस तरह हमने कन्वोल्यूशन थ्योरम पर ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया जिसमें दो फंक्शन को हमने स्प्लिट करके उसका इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लिया।
वीडियो पसंद आई हो तो उसे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है उस तक पहुंचाएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।